स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड प्लगइन के बारे में। बहुत सारी ऐसी प्लगइन है, बहुत सारी अगर हम बात करें ऐसी आपको टूल्स मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो। जो कि आप यहाँ पर लाइव देख पा रहे हो, जो मेरी वेबसाइट की स्पीड है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 99% इसकी SEO की स्पीड आप देख सकते हो, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस देख सकते हो, एक्सेसिबिलिटी देख सकते हो और परफॉर्मेंस देख सकते हो। एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो कोई भी पेड प्लगइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो है कि मेरी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, मैं जो भी प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और बिल्कुल फ्री में मैं जो है कि उस प्लगइन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में काफ़ी टाइम तक मैं हो गया अभी तक अगर हम बात करें उसके माध्यम से मेरी स्पीड अभी तक वेल मेंटेन है। और यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस पे आप जाओगे ना तो बहुत सारी ऐसी प्लगइन मिल जाएगी, भर भर के प्लगइन मिलेगी और बहुत सारे यूट्यूबर सजेस्ट करेंगे, बहुत सारे अगर हम बात करें अलग अलग जो है कि जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर वो सजेस्ट करते रहेंगे, आपको ये बताते रहेंगे कि भाई ये प्लगइन यूज़ कर लो, वो प्लगइन यूज़ कर लो, स्पीड मेंटेन हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद देखो, कुछ समय बाद क्या होता है, स्पीड तो मेंटेन होती है, स्पीड तो आपकी चलती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम बात करें तो फिर उसकी स्पीड ऑटोमेटिक जो है कि डाउन हो जाती है। अगर हम बात करें जेटपैक की, बहुत सारे लोग जेटपैक को सजेस्ट करते हैं कि यार जेटपैक बहुत अच्छा है, स्पीड को इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, मालवेयर से स्कैन करता है, काफ़ी कुछ चीज़ें करता है, बैकअप करके दे देता है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलर बना दिया गया, बहुत ज़्यादा इसको सजेस्ट करते रहते हैं लोग। लेकिन सही मायने में जो परफॉर्मेंस हमें मिलनी चाहिए, जो रिजल्ट हमें मिलनी चाहिए, और हमें एक दो दिन के लिए तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, एक दो दिन के लिए रिजल्ट तो चाहिए नहीं ना, हमें जो है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी अगर बना के रखे तो अगर हम बात करें 6 महीने या फिर 1 साल तक, 2 साल तक हमें कंटिन्यू इसके ऊपर काम करना होता है। ये नहीं कि हमें एक दो दिन के लिए हमने ले लिया या फिर 10-15 दिन के लिए हमारी स्पीड बढ़ गई, बूम हो गई और फिर सडनली 15 दिन के बाद डाउन हो गई। तो वो चीज़ें अगर उस ट्रैप में अगर फंसना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। आप जो कि स्पीड को इंक्रीज करोगे फिर उसके बाद फिर वही पोजिशन पर आ जाओगे, फिर इंक्रीज करोगे फिर वही पोजिशन पर आ जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को जो है कि जो पोजीशन है, जो रैंकिंग है, वो एक बार अप होगी फिर उसके बाद डाउन होगी, अप होगी डाउन होगी, ये गेम चलता रहेगा। चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, आप इजीली अपनी वेबसाइट की स्पीड को प्रॉपरली अगर हम बात करें उसे आप मेंटेन कर सकते हो, वेल मेंटेन कर सकते हो। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर एडसेंस भी अप्रूव्ड है। ठीक है, एडसेंस अप्रूव्ड होने का मतलब ये होता है कि जो उनकी जावा स्क्रिप्टेड होती है, जो कोडिंग होती है, वो सारी चीज़ें और थोड़ा प्रॉब्लम देती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि ये कितना बेहतरीन जिससे वेल मेंटेन तरीके से ये हमारी वेबसाइट रन हो रही है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाती है उसे भी आप फिक्स कर भी सकते हो। अगर मैं इसकी रिपोर्ट की बात करूँ तो देखो मैंने अभी अभी इसको चेक किया, एक बार फिर से अगर चाहिए तो मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना लगे कि यार स्पीड को लेके कैसे बंदा कर लिया है और कैसे स्पीड को मेंटेन कर लिया है। देखो, स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको एक दो दिन के लिए मेंटेन नहीं करना है, आपको एक ऐसी प्लगइन, एक ऐसी थीम के साथ में काम करना है जो कि तकरीबन मैं आपको बता दूं कि आपको जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तो वर्क करे, मिनिमम 6 मंथ तक वर्क करे, जिससे कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाए, थोड़े से पैसे मिल जाए, ताकि आप जो कि कुछ अर्न करने के बाद उस प्लगइन को अपग्रेड करा पाओ। आप सभी को मालूम है कि इसके अंदर जो भी प्लगइन होती है उन सब में जो है कि अपग्रेडेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्लगइन पे आता हूँ ना, अगर आप जेटपैक का लेते हो तो भी इसके अंदर अपग्रेड करने का देता रहता है फीचर, अगर आप जो कि इसको लेते हो तो भी अपग्रेड करना, कोई से भी प्लगइन हो उनके अंदर अपग्रेडेशन का सिस्टम आता ही रहता है। अब सवाल ये है कि हमें कौन सा प्लगइन यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हमारी जो इशू है वो सॉल्व हो जाए और हमें लाइफ टाइम के लिए कुछ इस तरीके की स्पीड मिले। तो देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन प्लगइन जो मैं आपको बता देता हूँ जिसकी अब तक का मुझे सबसे बेस्ट लगा है और उसको मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम है 10 वेब बूस्टर। ठीक है, इसको सर्च करो आप और इस तरीके से। अभी इसके अलावा एक चीज़ और आपको यूज़ करना है जो कि मैं आपको बता दूंगा, इसको आप सर्च करो 10 वेब बूस्टर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये आ जाता है देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सर्च किया 10 वेब बूस्टर, तो ये देखो ये प्लगइन आ चुका है और मुझे जो कि इसकी कोई प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा है। मैंने जो 4-5 साल में जो अलग अलग प्लगइन ट्राई किए ना, उन प्लगइन में मुझे काफी अच्छा लगा है और इसकी रेटिंग भी आप देख लो इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, लगातार ये बढ़ रहा है, इसकी रेटिंग आप देख सकते हो। ये एकदम नया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पुराना भी हो गया है प्लगइन, मतलब 4-5 साल के अंडर में अगर हम बात करें तो 1-2 साल ही हुआ है इसको आके, मतलब इस मार्केट में, फिर भी इसकी रेटिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आपको इस तरीके का आपको कोई भी एक प्लगइन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको इसका इसके सर्वर पे जाके पूरा का पूरा कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा इसके सर्वर में ऑप्टिमाइज होता है, सब कुछ कनेक्ट करने में इसी के सर्वर पे होता है जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये सबसे मतलब खतरनाक तरीका है जिसको हम करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे ये समझो कि ये आपने यूज़ किया, इसको यूज़ करके छोड़ नहीं देना है। ठीक है, अगर आप इसको इसके भरोसे रहोगे ना तो फिर आगे का भी काम आपको फंस जाएगा। ठीक है, ये स्पीड फिर जो है कि 80-70% तक आएगी, लेकिन अगर इसको यूज़ करते हो तो इसके अलावा आपको यूज़ करना है लाइट कैच। ठीक है, इसका नाम है लाइट
कैच, इसको आप याद कर लो और इसके माध्यम से भी आप अपनी स्पीड को वेल मेंटेन कर सकते हो। स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रही है मेरी और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका ये है, यहाँ पे इसका नाम है, ये देखो इसका नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहा एक्चुअली, मेरे को दिखाना पड़ेगा आपको। इसका है लाइट स्पीड कैच, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो लाइट स्पीड कैच, ये मैंने सर्च किया लाइट। अब एक्चुअल में ये करता क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये लाइट स्पीड की खासियत क्या है, ये आपको क्या करके देता है, इसकी बेनिफिट क्या है, ये आप समझ लो जिससे कि आपको बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मैंने इसे सर्च किया, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे मैंने सर्च किया लाइट स्पीड कैच, सिर्फ लाइट स्पीड ही मैं टाइप करता हूँ वो आ जाएगा। तो ये देखो ये करता क्या है एक्चुअल में, इसको आपको समझना है। देखो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं WP फास्टेड कैच, इस तरीके से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि अपने अलग अलग यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कैचेस हैं, ये भी देखिए इसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि जो पॉपुलर हो जाता है, जिनके अंदर लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। एक समय था कि बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है कि इसको डाउन चला गया है और ये टॉप पे आ गया लाइट स्पीड कैच। इसके अंदर इसलिए टॉप पे आ गया कि बहुत सारी फ्री में जो है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये अब नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी लास्ट अपडेट देखो 3 डेज पहले आई थी, ठीक है, और इसकी लास्ट अपडेट 3 वीक्स पहले आई थी, ठीक है। तो ये आपको इनमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखो यहाँ पे पॉपुलर वही चीज़ें होती हैं जो कि अपनी सर्विसेज थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्री में कर देती हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स जो है ना एक्स्ट्रा फ्री में कर देती हैं, तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाती है, और पॉपुलर हो जाती है कहीं ना कहीं सर्विसेज भी उनकी अच्छी होती है। तो ये आपको करके यही देता है कि जो भी CSS होते हैं, जो भी JavaScript के अगर बात करें इमेजेस होती है, जो कैचेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। उससे ऑप्टिमाइज होने का मतलब ये है कि उससे भी आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, 2 गुना 4 गुना डबल हो जाती है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को वेल मेंटेन रख सकते हो और रैंकिंग को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये तरीके बताएं, जो मैंने प्लगइन्स बताएं, ये 2 प्लगइन बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इतने में तो मतलब आपका काम हो जाएगा, मैं आपको लाइव प्रूफ करके साथ में दिखा रहा हूँ, अपनी वेबसाइट के साथ में दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका इसमें काम नहीं हो बनता है, अगर नहीं काम बन रहा है, तो आप जो है कि और भी प्लगइन के साथ में जा सकते हो। आप जो है कि और भी प्लगइन है जिनको आप जो है कि यहाँ पर सर्च कर सकते हो, वेबसाइट स्पीड, अगर आप स्पीड भी सर्च करोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी प्लगइन आ जाएगी, जिनमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्लगइन जो कि सबसे अच्छी है। उनमें अगर हम बात करें Jetpack को लोग सजेस्ट करते हैं, मैं भी Jetpack को सजेस्ट करता हूं, लेकिन यहां पे Jetpack Boost को सजेस्ट करता हूं। ध्यान रखो आप, Jetpack Boost ना कि Jetpack, ठीक है, इनमें 2-3 प्लगइन अलग अलग कैटेगरीज है। Jetpack Boost को मैं सजेस्ट करता हूं, लेकिन Jetpack Boost भी आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा। देखो मैं भी यूज कर रहा हूं फिलहाल, तो ये आपका थर्ड प्लगइन हो सकता है। अगर आपको और स्पीड को मेंटेन करना, 100 out of 100 लेके जाना, तो ये आपका थर्ड प्लगइन हो सकता है। अदरवाइज इसको नहीं भी करोगे तो भी ये इतनी स्पीड तो देगा ही देगा, पक्का देगा, 100% देगा। तो इसको यूज करोगे तो और ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि जो जो प्लगइन मैंने आपको सजेस्ट किया, उन प्लगइन को आप इस्तेमाल करोगे और अपनी वेबसाइट की स्पीड को बहुत हद तक इंप्रूव कर लोगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय बाय।